देखिए, सबसे पहले मैं कोर्ट को धन्यवाद दूंगा और इस फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन आप पूरे क्रोनोलॉजी को अगर आप समझें तो मुझे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि जो हमारी जो लड़ाई थी उस लड़ाई में हम लोगों की जीत हुई है। लेकिन अभी भी जो कुछ चीज़ें जो रह गई हैं इस पूरे मुकदमे में, अगर क्रोनोलॉजी को अगर आप देखिएगा तो पहले जो है नीतीश कुमार मना करते थे कि सीबीआई जांच के लिए हम नहीं देंगे, बिहार पुलिस जो है वो सक्षम है। हम लोगों ने मांग कर करके जांच जो है सीबीआई को ही नहीं बल्कि कोर्ट द्वारा मॉनिटर करवाया। दूसरे हिसाब से अगर आप देखिएगा तो जो मंजू वर्मा थी, हम लोगों ने इस्तीफे की मांग की थी, मुख्यमंत्री कहते रह गए हम इस्तीफा नहीं लेंगे, लेकिन उनको दिलाना पड़ा। आपको पता होगा मुख्यमंत्री ने जो चुप्पी साध रखी थी इस पूरे मसले को लेकर के, हमने कहा था कि 3 दिन बाद मुख्यमंत्री को अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ेगी, इस पे बुलवा के रहेंगे, हमने बुलवाने का काम किया। फिर आपने देखा होगा जंतर मंतर पे हम लोग गए, ऑल ऑपोजिशन पार्टियों ने इसका समर्थन किया, और जिस प्रकार से जो मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को मुख्यमंत्री ने और कई एक ऐसे ऐसे बड़े अधिकारी हैं जिन्होंने संरक्षण देने का काम किया था, उस सब का जो है राज हम लोगों ने उजागर किया। आज ब्रजेश ठाकुर को सजा मिली, साथ में और जो 19 लोग हैं टोटल उनको सजा मिली, मुझे खुशी है। लेकिन अभी भी जो सबसे बड़ी मछलियां हैं, जिसने गुनाह किया वो तो ठीक है, लेकिन जिसने गुनाह को संरक्षण देने का काम किया, गुनाहगारों को संरक्षण देने का काम किया, याद कीजिए मूंछ वाले, तोंद वाले जो अंकल जी, नेता जी, वो अभी भी कहीं ना कहीं से बचे हुए हैं। और इसमें तो संलिप्तता जो है आप देखिएगा मुख्यमंत्री की है। उसी मुजफ्फरपुर बालिका गृह की जिसने बच्ची ने जो उस मामले की उजागर की थी, उसका दोबारा गैंग रेप होता है सितंबरी में बस में, वो कौन कराया, कैसे कराया, और जो मधुबनी जिस बच्ची को भेजा गया था वो कहाँ गई, उसको अब तक कुछ नहीं पता। तो अभी भी केस में ऐसे पहलू बाकी हैं जो मुख्यतर जो अपराधी जो मेन जिसका ब्रजेश ठाकुर था, लेकिन उसको जो संरक्षण देने का काम करता था, वो लोग जो बचे हुए हैं उनको भी हम लोग छोड़ने का काम नहीं करेंगे, उच्चतम अदालत तक हम लोग ले जाने का काम करेंगे। आपको पता नहीं होगा, अगर हम लोग राजनीति, हम लोगों ने तो जो सही चीजें हैं उसको उठाने का काम किया, तभी तो बिहार सरकार को और बिहार पुलिस को, खास तौर पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, सुप्रीम कोर्ट हर एक तारीख पे फटकार सुनाने का काम करती थी। अब बोल जंगल राज तो छोटी बात, बिहार में तो बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट की कोई कानून राज की नाम ही नहीं रह गई है, कोई ऐसी बात ही नहीं है। तो उसने बिहार पुलिस सक्षम ही नहीं थी, ये तो साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया था। अभी भी काफी मुख्य लोग जो हैं, बड़े बड़े लोग जो हैं, तोंद वाले, मूछ वाले, ये जो बचे हैं इनको भी हम लोग बख्शने का काम नहीं करेंगे, इनको भी अदालत तक ले जाने का काम करेंगे। जेपी नड्डा बीजेपी के नए अध्यक्ष बन गए हैं, कैसे देखते हैं? देखिए उसमें कोई बड़ी बात नहीं, वो तो तय था ही, तो कार्यकारी अध्यक्ष थे, बने हैं, और हर पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष वगैरह बनते रहते हैं। अब अमित शाह पहले थे, अब ये बने हैं, तो इसमें कोई नई बात नहीं है, और बने हैं तो ठीक है, शुभकामनाएं हैं।